नमस्कार। इस साक्षरता के समान ही महत्वपूर्ण है हमारी आर्थिक साक्षरता। आज जनता के अंदर देखते आ रहे हैं खर्च के बाद का पैसा कमाने की रीति है, लेकिन वीर पहलू से कमाने वाले प्रति माह वो कमाने के बाद ही खर्च करते हैं। वे जीवन के हर मोड़ पे किन किन मील पत्थरों के पीछे चलना है इसका फैसला पहले से ही कर लेते हैं। उसके अनुसार कमाई से बचत भी करते हैं। यही आगरे के मुताबिक धन कमाने के निक्षेप साधिता का अन्वेषण करना है। इंडिया की जनता की हाथों की दौलत 50 से भी ज्यादा प्रतिशत मकान, जमीन, सोना वगैरह ही है, और फिर अक्सर इसका उपयोग होता भी नहीं है। यही है म्यूचुअल फंड और फिर शेयर शुरू करके फटाफट कैश कमाने का सुनहरा मौका है। इंडिया में आर्थिक साक्षरता के अभाव को समझ के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 20 सालों से म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को पढ़ के उसमें से मिली हुई जानकारी को दूसरों में भी बांटने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के हैसियत से प्रोफेसर के मधुसूदनन नायर इस कार्यक्रम में आपको समझाएंगे। साधारण जनता के लिए यू इन्वेस्टमेंट की रीति से, अन्यथा निक्षेप के नाम से लोगों से अनजान विभाग ही है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इंडिया में लगभग 42 कंपनियां उनके अधीन भिन्न तरह के स्कीम के साथ 1800 से भी ज्यादा डिफरेंट स्कीम के साथ चलायमान है आज। मतलब इस म्यूचुअल फंड के निक्षेप जो है उससे क्या क्या फायदा है। म्यूचुअल फंड में निक्षेप कर रहे हैं तो पिछले 35 वर्षों के इतिहास का परीक्षण करेंगे तो रियल एस्टेट से भी, सोने पर जो निक्षेप है उससे भी, बाकी के किसी भी विभाग निक्षेप से यदि हम तुलना करके देखेंगे तो म्यूचुअल फंड निक्षेप ही आज बहुत बड़ी कमाई है अथवा संपत्ति है क्रिएट करके रखा है या फिर वेल्थ उत्पन्न करके रखा है। और वैसे म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियों को AMCs अथवा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नाम से जाना जाता है। ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में फिलहाल 42 कंपनियां मौजूद है। SBI की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ICICI बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HSBC की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फ्रैंकलिन प्रिंसिपल, और ऐसी 42 कंपनियां मौजूद हैं। और इन 42 कंपनियों के तकरीबन 1500 भिन्न तरह के स्कीम जो हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं स्कीम। तो फिर म्यूचुअल फंड्स को हम दो भागों में प्राथमिक तौर पे बांट सकते हैं। और फर्स्ट है क्लोज एंडेड फंड, सेकंड है ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड का मतलब है कुछ निश्चित समय के लिए शुरू करने वाला एक फंड है, यानी कि 3 वर्षों तक या फिर उससे भी ज्यादा दिन हो, अन्यथा 900 दिन बोलिए, 1000 दिन बोलिए, या 1200 दिनों तक के लिए महज ये फंड है। और वो फंड शुरू करते ही जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, SBI की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो ही क्लोज एंडेड फंड शुरू करते हैं, सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड आम जनता को चुकाते हैं तो उसे NFO के नाम से जाना जाता है, न्यू फंड ऑफर। गॉट इट, न्यू फंड ऑफर। इस न्यू फंड ऑफर में ही हमें सर्वप्रथम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम शामिल होते हैं तब हमें यूनिट ही देते हैं, और उन यूनिटों का साधारण लेवल का प्रत्यक्ष मूल्य 10 रुपये है। मतलब 10 रुपया भी हमें इस न्यू फंड ऑफर के द्वारा ही मिलेगा। गॉट इट। मैंने क्लोज एंडेड फंड के बारे में आपको बताया यूं निश्चित समय के लिए, वैसे 3 वर्ष या फिर 3.5 वर्ष की कालावधि के लिए। पहले ये न्यू फंड ऑफर करने के समय ही इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी से हम इस म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं आराम से। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में बस 10,000 रुपए हैं और क्लोज एंडेड फंड में मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो एक फॉर्म देंगी जिसमें कई प्रकार के कॉलम होंगे, नो योर कस्टमर,
रिक्वायरमेंट नो योर कस्टमर का मतलब है उस कस्टमर की सारी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। हमें पैन कार्ड नंबर देना होगा, फिर उसके अलावा वोटर आईडी भी आपको देना होगा, और उसके अलावा आधार डिटेल देनी पड़ेगी, फिर किस बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक का एक कैंसल्ड चेक लीफ देना पड़ेगा। या फिर शुरू करते समय ही कैंसल्ड चेक देने से काफी है। यदि केवल 10,000 रुपए से आप शुरू करना चाहेंगे तो फिर 10,000 रुपए का चेक आपको देना पड़ेगा। मतलब ये सभी है KYC, नो योर कस्टमर के रिकॉर्ड में वो दर्ज करेंगे। उसके पश्चात हम 10,000 रुपयों का म्यूचुअल फंड जब खरीदते हैं और 10 रुपये उसका NFO प्राइस है, तो 10 रुपये में मुझे 1,000 यूनिट मिलेंगे। ये 1,000 यूनिट हमें मिलेंगे। इस 1,000 यूनिट के मिलते ही इस म्यूचुअल फंड को किस विभाग में इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य है, उस स्कीम के नाम से ही होगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, अन्यथा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम बोलते हैं। SI स्कीम इंफॉर्मेशन, SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसी प्रकार किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। देखिए इसमें बताया गया है, मतलब म्यूचुअल फंड में ज्वाइन होते समय ही इस ऑफर डॉक्यूमेंट को स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए, ऐसा म्यूचुअल फंड इश्यू करने वाली कंपनी बताएगी। यही नहीं, इसमें होने वाले 7 दिन अष्टों के बारे में भी रेखांकित किया होगा। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइज या फिर अखबार अन्यथा TV में एडवर्टाइज के दौरान हमने ध्यान दिया होगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। निक्षेप करने से पूर्व इस म्यूचुअल फंड स्कीम से संबंधित ऑफर डॉक्यूमेंट सावधानी पूर्वक पढ़ें, और इसके अलावा 7 दिन अष्टों का विवरण उसमें लिखा होना चाहिए। अतः जब हम म्यूचुअल फंड में शामिल होते हैं तब इस ऑफर डॉक्यूमेंट में कही गई सारी बातें हमें मंजूर है, अन्यथा हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है कह के साइन करके हमारे चेक देने का अर्थ है हमें ये ऑफर स्वीकार है। किसी क्लोज एंडर स्कीम में ज्वाइन करते हैं तब 10 रुपये में 1,000 यूनिट मिलेंगे, और 1,000 यूनिट मिलने के बाद वो किस स्कीम में, स्कीम का मतलब है विभिन्न विभाग के स्कीम हैं। ये जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम में ही स्पेशल रूप से ये किस विभाग में निवेश करने का उद्देश्य रखते हैं ये लिखा होगा वहां पे। उदाहरण के लिए फार्मा फंड मतलब है फार्मास्यूटिकल कंपनियों में ही हम मुख्यतः निवेश करने का उद्देश्य रखते हैं। मतलब किसी भी विभाग में फार्मास्यूटिकल कंपनी में फार्मा फंड है तो तकरीबन 65% फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स में आपको निक्षेप करना होगा। इसके विपरीत रियल एस्टेट फंड हो तो लेने वाले पैसों में से लगभग 65% रियल एस्टेट विभाग में जो कंपनियां हैं उसमें निक्षेप करना चाहिए। बाकी के 35% ये 35% साधारण गति में साधारण तौर पे रिस्क कुछ कम वाले, अन्यथा जहां नष्ट साध्य कुछ कम है वैसे स्कीम में निक्षेप करना चाहिए आपको। वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है, अन्यथा गवर्नमेंट इंडिया के बॉन्ड में निक्षेप करते हैं, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में निक्षेप करेंगे, या फिर रिजर्व बैंक द्वारा इश्यूड बॉन्ड में निवेश करेंगे, और कभी वो गोल्ड फंड में निवेश करेंगे, EFT एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डालेंगे, गिल्ट सिक्योरिटीज में निवेश करेंगे। इस 35% के नष्ट होने का चांस बहुत कम है। FD का मतलब सब जानते हैं, नष्ट होने का कोई चांस नहीं है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो तो उसमें नष्ट होने का खतरा नहीं है। 35% नष्ट साध्य कम वाले फंड्स में बाकी के 65% इक्विटी, या फिर जिस स्कीम के बारे में मैंने बोला था फार्मा फंड है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, यदि रियल एस्टेट फंड है तो रियल एस्टेट की कंपनी में, IT फंड है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर IT से संबंधित किसी कंपनी में निक्षेप करें आप।
तात्पर्य इस म्यूचुअल फंड में निक्षेप करने वालों के साथ। देखिए, जहाँ तक साधारण लोगों से संबंधित है तो आप हमसे पूछेंगे, अच्छा फिर आप शेयर क्यों नहीं लिए? वही शेयर अप्रिशिएट का साध्य वाला शेयर खरीद लिया होता, इस तरह आप हमसे पूछते? इस तरह के सवालों का जवाब क्या है कहे तो, ये म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियां जो है ना, वो काफी बड़ी कंपनियां हैं। मैंने आपसे बोला था कि फिलहाल इंडिया में सिर्फ 42 कंपनियां ही हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड संस्था शुरू या आरंभ करने के लिए म्यूचुअल फंड शुरू करनी है तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सभी कहते हैं जिसे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन होने से ही आपको स्कीम शुरू कर पाएंगे, ये मत भूलिएगा। और फिर मौजूदा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ही क्यों ना हो, उन्हें अपना कोई स्कीम शुरू करने के लिए सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानकर की परमिशन है तो ही फंड शुरू कर पाएंगे वो। और अगला है एम्फी। एम्फी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI, एम्फी, वहां रजिस्टर करना चाहिए। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड शुरू करते समय एम्फी के वेबसाइट व इन कंपनियों की वेबसाइट में हमारी शुरू होने वाली कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेगी। आपके पूछे जाने वाले साथ ही सवाल, क्यों न हम आज स्वयं शेयर खरीद लेते? जब हम स्वयं शेयर खरीदते हैं तो किसी के द्वारा बताया गया शेयर, अन्यथा हमारे लिए यही शेयर अच्छे होंगे सोचकर शेयर खरीद सकते हैं हम लोग, मगर वहां पर एक रिस्क फैक्टर है, पैसा नष्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, कारण भी है। ये फंड्स और हम जो शेयर्स खरीद रहे हैं, भिन्न कारणों से इसके भाव में बहुत अधिक गिरावट के चांसेस ज्यादा ही है। इसके विपरीत म्यूचुअल फंड कंपनियां चला रही हैं तो, और उनकी सोच के अनुसार, चाहे IT फंड हो, चाहे फार्मा फंड हो, चाहे रियल एस्टेट फंड हो, कोई भी फंड हो, उस फंड में जो कंपनियां जिस शेयर को वो खरीदना चाहती है उससे संबंधित एक रिसर्च विंग इन सारी कंपनियों की एक रिसर्च विंग है, और वो इस बारे में एकजुट होकर सोच के उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड व इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड और फ्यूचर में उनकी क्या पद्धति है, ये सब इन सब का मूल्यांकन करके इक्विटी अन्यथा उनके शेयर्स को इतनी कीमत में हम खरीदने का फैसला करते हैं। मतलब उनकी एक रिसर्च विंग होने के कारण, और जहां तक उनका मामला है, और उस रिसर्च विंग के द्वारा एडवाइज्ड फंड को ही वो खरीदते हैं, तो हमेशा नष्ट साध कम के इक्विटीज या शेयर्स में ही वो निक्षेप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब हमें म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करनी है तो डायरेक्टली कैंपस में जाकर एप्लीकेशन भर सकते हैं, अन्यथा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से बहुत बहुत कंपनियां हैं, बहुत व्यक्तियां भी हैं, आप इन व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा व्यक्तियां आपसे संपर्क करेंगे, आपको दिलचस्पी है तो ये व्यक्ति या फिर रिप्रेजेंटेटिव आपसे संपर्क करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भेजेंगे। उनमें से हमें कौन सा स्कीम चाहिए, जैसे मैंने कहा था ना, कॉमन एप्लीकेशन है, कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए, कौन सी कंपनी चाहिए और कौन सा फंड चाहिए, कितने कितने रुपए का चाहिए, ये लिख कर दे दीजिए, और उसका चेक भी दे देंगे, और बाकी KYC डिटेल भी देंगे तो हमें उसके यूनिट्स मिलेंगे। हमने जितनी अमाउंट उन्हें दी है, उस दिन का जो नेट एसेट वैल्यू है NAV से उसे डिवाइड करने से या भाग करने से मिलता है, उतना यूनिट हमें देंगे वो। फिर कंपनी हमें एक फोलियो नंबर देगी, और ये फोलियो नंबर वो एक डिस्टिंक्ट फोलियो नंबर है, और हर एक व्यक्ति का फोलियो नंबर अलग अलग होता है। जो नंबर मुझे मिलेगा वो मेरी पत्नी को नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी को जो मिलेगा वो मेरी बेटी को नहीं मिलेगा, मेरी बेटी को जो मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, इस तरह वो पृथक होता है। एक विविध तरह का फोलियो नंबर हमें अलॉट करेंगे, यूं बैंक अकाउंट के समान, अकाउंट नंबर के समान। और उदाहरण के लिए, यदि आप उस फोलियो नंबर पे पैसा जमा करते हैं या फिर पैसा निकालते हैं तो, या फिर जमा करते हैं तो, उस दिन के नेट एसेट वैल्यू के अनुसार यूनिट जुड़ते जाएंगे, यूनिट को इसमें ऐड करते जाएंगे। इसके विपरीत हम उससे पैसा निकालने का प्रयास किया तो, उदाहरण के लिए 5,000 रुपए निकालते हैं, 20,000 रुपए निकालते हैं हम लोग, यदि उतना यूनिट हाथ में हो तो, या 50,000 रुपए निकालते हैं, अगर ऐसा है तो उतने यूनिट्स कम हो जाएंगे। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ही
इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इंट्रोड्यूस जो किया, क्लोज एंडेड फंड हो या फिर ओपन एंडेड फंड हो, फैसला वही करते हैं कोई फंड शुरू करने के लिए। फंड शुरू करते ही, शुरू करने का प्लान करते ही, वो हमारे इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट जिसके अधीन शेयर्स आता है, म्यूचुअल फंड्स भी है और सिक्योरिटी से वो भी आएंगी और उन सब की कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात, सेबी ही नियंत्रक बोर्ड है। तो वो हमारे इस फंड का उद्देश्य क्या है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग, उस फंड की डिटेल्स वगैरह देकर, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है और नष्ट साध्य क्या क्या है, ये सब देने के बाद, सेबी के अप्रूवल के बाद ये फंड स्टार्ट कर सकते हैं, NFO स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही फंड चलाने वाली कंपनियों के बारे में बताया, कंपनियां, उनमें कुछ कंपनियों पर हम गौर करेंगे, कुछ ऐसी कंपनियां हैं हम उस पे गौर करेंगे आज, जरा आप पढ़ के सुनाइए। एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बरोडा पायनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बिरला सनलाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, BNB पैराडाइज असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया AXI इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कैनरा रिबेका असेट, वो कैनरा बैंक का है, कैनरा रिबेका असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, देवा असेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ड्विच असेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DSP ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एडलवाइस असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एस्कॉर्ट असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपने इसमें बहुत सारे नाम पढ़े और इसके अंदर ही बहुत कुछ, और वैसे अभी DSP ब्लैक रॉक बोलते हैं तो DSP नामक इंडियन पार्टनर और ब्लैक रॉक नामक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फेम है। ब्लैक रॉक वैसे दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेज करने वाली एक कंपनी है। बरोडा पायनियर एसेट मैनेजमेंट, बरोडा इंडियन कंपनी है व पायनियर नामक विदेशी कंपनी, मतलब कई कंपनियां स्वयं चलाती हैं, यही नहीं इंटरनेशनली विदेशी राज्यों के प्रसिद्ध कंपनियों के साथ जुड़कर भी चलाती हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने के बाद कहीं चिट कंपनी की दिवालिया निकलती है वैसे, या फिर किसी चिट कंपनी के समान पैसे बटोर कर लोग फरार होते हैं, ऐसा कहीं हमारे साथ हुआ तो हम क्या करेंगे, बोलिए। वो फरार नहीं हो सकते हैं, उसका रीजन यह है कि ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट कौन है इनके प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से स्टडी करके इस तरह जनता की सहमति प्राप्त लोगों को ही म्यूचुअल फंड चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देती है या फिर सभी परमिशन देती है। एक तो ये हुआ, और दूसरा है इन कंपनियों की निवल संपत्ति या फिर उनकी पूरी संपत्ति, कम से कम 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा संपत्ति वाले लोगों को ही फंड शुरू करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड शुरू करने की परमिशन देती है। ऐसी 40-50 कंपनियां हैं यहाँ पे, यदि इन कंपनियों के स्थान पर वे चिट कंपनी शुरू करते तो फिलहाल हमारे यहाँ 2,000 या 3,000 से भी ज्यादा कंपनियां होती है आज यहाँ। आपको पता है इसमें बड़ी पैनी निगाह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपसे एकत्रित किए गए पैसे किसी कीमत पर नष्ट ना हो, इन्वेस्टर्स के हाथ से ये पैसा कभी नष्ट ना हो, इसलिए काफी कंट्रोल जो है। उसी प्रकार उनकी एसेट कम से कम 50 करोड़ रुपए हो, ऐसी कंपनी को ही ये शुरू करने की इजाजत देती है सरकार। और फिर हर एक फंड शुरू करने से पहले ही कोई भी नया फंड शुरू करता है या फिर न्यू फंड ऑफर चलाते समय बाकी फंड्स के परफॉर्मेंस को देखकर, बाकी के फंड्स विविध तरह से मैनेज ना करके इन्वेस्टर्स को नष्ट प्रदान करने वाले लोग ही फिर से एक नए फंड के साथ अप्रोच करेंगे तो सभी किसी भी कारणवश उन्हें अप्रूवल नहीं देंगे। म्यूचुअल फंड्स और उनके स्कीम में जो धन है लगभग 65% इन लिस्टेड कंपनियों में ही निक्षेप करते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसे खरीदें, ऐसा संशय हमारे मन में होगा, तो फिर हम लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में से इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं तो, और वो शेयर किसी के कहने पर हमने लिए होंगे या फिर हमें लगा होगा कि अमुक कंपनी के शेयर्स में उछाल आने वाला जो है,
वहीं पे है म्यूचुअल फंड्स की विशेषता। क्या है म्यूचुअल फंड की विशेषता? उनके स्वयं की एक रिसर्च विंग जो है, रिसर्च विंग के साथ एनालिस्ट भी हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बोलते हैं, और उनकी सिफारिश की गई कंपनियों में ही स्कीम में से कैश निकालकर निक्षेप करते हैं। अतः नष्ट होने का चांस हमारे डायरेक्ट खरीदने की तुलना में बहुत ही कम होंगे। अप्रिसिएशन की साधिता बहुत ही अधिक होगी, फंड्स के मूल्य में वृद्धि की साधिता बहुत ही ज्यादा होगी। मतलब इस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हमने शुरू किया, जैसे मैंने पहले बोला था, 10,000 रुपए में मैंने लिया, बस 10 रुपए का ऑफर प्राइस है और 1,000 यूनिट मिला मुझे, और वो 3 वर्ष या फिर उससे ज्यादा समय में क्लोज एंडेड फंड माना जाएगा। और उस क्लोज एंडेड फंड के अंत में ये जो यूनिट्स है, मतलब कंपनियों के समूचे यूनिट्स, 15 लाख यूनिट हो या फिर 20 लाख यूनिट हो, अन्यथा फिर 1 करोड़ यूनिट ही क्यों ना हो, इस तरह कई यूनिट जो हैं, इन यूनिटों को पहले आप 10 रुपये में खरीदे होंगे, लंबे समय में इन शेयर्स का मूल्य स्टॉक मार्केट के बढ़ने के अनुसार ही बढ़ते रहेंगे। मैंने कहा था कि 35% हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोर्ड में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में डालेंगे, उसके अलावा रिजर्व बैंक बॉन्ड में या फिर गिल्ड सिक्योरिटीज में निक्षेप करेंगे, तो नष्ट होने के चांसेस कम है। देखिए, इन सब का मूल्य, कुल मूल्य निकाल कर समूचे यूनिट से डिवाइड करके भाग करने से हाथ में जो आता है, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू या फिर NAV बोलते हैं। अब ये नेट एसेट वैल्यू जो हर एक फंड्स के ऊपर निर्भर करता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इस क्लोज एंडेड फंड में हमें 10 रुपया मिला, और अब इस 10 रुपये का नेट एसेट वैल्यू 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 भी, अन्यथा 40.832 भी हो सकता है। मतलब जब फंड को बंद करते हैं, हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट के क्लोज एंडेड फंड में हो, तो अमुक दिन में स्टार्ट करेंगे और इतनी तारीख को क्लोज करेंगे, और 100 दिन में रिडीम करके सभी यूनिट के अनुसार राशि, NAV के अनुसार राशि को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि पहले मैंने बोला था, मैंने 10,000 रुपए खर्च करके 1,000 यूनिट ले लिया, और 3 वर्षों के बाद 18.50 रुपए होते हैं, तो 1,000 × 18.50 कितना हुआ, 18,500 रुपए मिलेंगे मुझे। इसके विपरीत NAV 99 रुपए हैं, रख लीजिए 10 रुपए की चीज, आप 99 रुपए ही रख लीजिए, 99,000 रुपए मुझे मिलेंगे। देखिए, ये म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने पहले बोला था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस प्रकार स्पेशली क्यों बोलते, कहे तो किसी भी कारणवश हो सकता है युद्ध छिड़ गया, चीन या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया, अन्यथा सार्वभौमिक रूप से संकट की घड़ी आ गई हो। 2008-2009 में सब म्यूचुअल फंड की वैल्यू जो घट गई थी, यानी कि ग्लोबल मार्केट, इकोनॉमिकल मार्केट कमजोर जो हो गए, तब ऐसी परिस्थिति में, अब उदाहरण के लिए देखें, जिसने 10 रुपए निवेश किया है वो 9 रुपया हो सकता है या फिर 8 रुपया भी हो सकता है आराम से, मगर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ लिया और उनके कायदों को स्वीकार कर लिया, क्या करी, म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करते हैं। कभी कभार हमारे 10,000 रुपए निवेश के बदले में हमें 9,000 रुपए या फिर 8,000 रुपए ही रिटर्न मिलने की संभावना है, मगर इस म्यूचुअल फंड में, जैसे मैंने पहले बोला था, एनालिस्ट हैं, वो निवेश किए गए शेयर्स के मूल्य घट गया तो फिर वो अचानक से स्टॉप लॉस, कोई 5 या 10% कुछ कम हो गया तो स्टॉप लॉस करके और उन शेयर्स को बेचकर उनके बदले गिल्ड सिक्योरिटीज में पदांतरण करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में, अन्यथा EFT एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की ओर पदांतरण करेंगे, तो नष्ट का चांस कम है। वो सदा वाच करते रहते हैं, उनके शेयर के वैल्यू में उतार चढ़ाव को वाच करते रहेंगे, जो ही वो आधे से नीचे आ गया तो फटाफट लॉस बुक करके अंत में नष्ट के साधि को कम करेंगे। देखिए, क्लोज एंडेड फंड शुरू करने के समय और बंद करने के समय के बारे में मैंने बोला था, और इसी दरमियान फंड्स को कभी कभार स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं आराम से। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE, उसी प्रकार BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस BSE और NSE में लिस्ट करके वहां चाहे खरीद या बेच सकते हैं आप आराम से।
और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी डायरेक्ट तरीके से इस क्लोज एंडेड फंड को बेचेंगे या खरीदेंगे नहीं। अब मैं ओपन एंडेड फंड के बारे में आपको बताता हूँ। ये ओपन एंडेड फंड ही हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देने में साथ दी जो है। इस ओपन एंडेड फंड को शुरू करते समय वो न्यू फंड ऑफर होता है, वो फंड शुरू कर रहे हैं, ओपन एंडेड फंड शुरू कर रहे हैं, तो उस फंड को शुरू करते समय, वैसे अभी वर्तमान में 10-20 कंपनियां उनके एनएफओ जो हैं न्यू फंड ऑफर हैं, उसमें दो ही ओपन एंडेड फंड है, बाकी 16 क्लोज एंडेड फंड है। तात्पर्य इस ओपन एंडेड फंड में हमारे लिए जो एडवांटेज है, यदि एनएफओ है तो उसके यूनिट के एनएफओ न्यू फंड ऑफर जिस दिन शुरू करते हैं, अंततः कब से कब तक फंड को ओपन रखा गया है, उतने दिनों तक हम उसे प्रत्यक्ष मूल में खरीद सकते हैं। यदि 10 रुपये कीमत है तो 10 रुपये में हम लोग आराम से ले सकते हैं। उसके पश्चात 15 दिनों के अंदर इसे क्लोज करने के 15 दिनों के अंदर इसका नेट एसेट वैल्यू, इससे पहले मैंने कहा था नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है, उनके निवेश किए गए कंपनियों के शेयर के मूल्य, उसके अलावा गिल्ड सिक्योरिटीज बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड, EFT एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन सब के मूल्यों को जोड़कर से पूरे शेयर्स को यूनिट से डिवाइड करने के पश्चात हाथ में जो मिलता है और वही राशि है नेट एसेट वैल्यू, जो बढ़ती ही जा रही है। मतलब एक महीने गुजरने के बाद 10 रुपये में खरीदे गए यूनिट का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे हुए तो हमें 10 रुपये 50 पैसे में ही यूनिट मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये निवेश करेंगे तो हमें 1,000 यूनिट नहीं मिलेगा, यही इसका अर्थ है। 10,000 डिवाइडेड बाई, पहले 10 था तो 1,000 मिला, अभी 10 रुपये 50 पैसे हैं तो यूनिट की संख्या कम होगी। अब इस ओपन एंडेड फंड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कहे तो, हम जब भी चाहे तो इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं और जब भी चाहे तो इस स्कीम से हम एक्सिट भी कर सकते हैं। कभी भी अंदर जा सकते हैं और कभी भी बाहर भी आ सकते हैं। मतलब इस तरह अंदर बाहर जाते समय वो दिन और जिस दिन हम उसे खरीदते हैं तो खरीदने के दिन जो नेट एसेट वैल्यू है उसी के अनुसार ही हम 10,000 रुपये निवेश करते हैं और नेट एसेट वैल्यू 9 रुपये 50 पैसे है तो 10,000 को 9.5 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो जो राशि है, अच्छा अब डिवाइड करने से आंकड़ा क्या है हम देखते हैं। मैंने 10,000 रुपये में 9.50 पैसे एनएवी युक्त एक स्कीम में ज्वाइन करता हूं, मान लीजिए 10,000 डिवाइडेड बाय 9.5 इज इक्वल टू 1,052.63 इस तरह जा रहा है। ये इसमें 4.5 यूनिट तक के लिए हम लायक हैं। कई ऐसे फंड है जो 3.5 यूनिट तक सिकुड़ेंगे और कई फंड्स 2.5 तक ही रहेंगे, तब हमें राउंड फिगर में यूनिट नहीं मिलेंगे। उसके बदले में 0.5 से युक्त यूनिट ही मिलेंगे हमें। उदाहरण के लिए हमारे नेट एसेट वैल्यू 9.9 है तो सोच लीजिए 9.9 है तो हमारे यूनिट फिर से कम हो रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है तो यूनिट की संख्या कम होती है। 1,010.10010, मतलब 1,010.10010, यदि उसे 2.5 में राउंड करेंगे तो 1,010.10010।